जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। किसी एमएलए के बेटे शामिल होते हैं, हम लोगों के बाल बच्चे, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, यही लोग शामिल होते हैं। जैसे परीक्षा अगर कैंसिल करती है आयोग, तो प्रत्येक परीक्षार्थी को 5,000 रुपया हम सरकार में जाएंगे तो देंगे। बिहार में जब भी कोई परीक्षा होती है तो छात्रों के मन में यह शंका हो जाती है कि इस परीक्षा को सही तरीके से सरकार करा पाएगी और कराने के बाद इसका रिजल्ट, इसका परिणाम सही तरीके से आ पाएगा। लेकिन पिछले दिनों एक परीक्षा हुई थी और उसका भी पेपर लीक की बात सामने आई। इसके पहले बिहार में सबसे बड़ा एग्जाम कहे जाने वाले बीपीएससी, उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था और अब एक बार फिर से बीएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। जैसे ही छात्र सेंटर में घुसे वैसे ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने लगे। ऐसे में सरकार भी अब भिड़ चुकी है, विपक्षी पार्टी के साथ साथ सत्ता में जो शामिल है पार्टियां वो भी सवाल खड़े कर रही है। टीम आरसीपी की तरफ से अमित सिंह है। अमित जी, प्रश्न पत्र एक बार फिर से लीक हो गया है। पिछले बार प्रश्न पत्र लीक मामला अभी तक साफ हुआ नहीं है, किन की वजह से हुआ, कितने लोग अभी जेल जा चुके हैं, कितने लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार में बैठे लोग सरकारी तंत्र का उपयोग करके इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए सनी, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आप एक बात समझिए, अभी चाचा और भतीजा दो हैं। चाचा जी का हाल यह है, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। और दूसरे तरफ भतीजा जो हैं, उनकी स्थिति यह है, उन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है जी। कि बांझ जाने पर सौती के हाल। जो आज माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनको क्या पता है, हम ऐसा क्यों बोले, उनको क्या पता है कि कैसे छात्र पढ़ते हैं, कैसे परीक्षा के लिए इंतजार करते हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, कितना उनको कष्ट सहना पड़ता है, कैसे किस किस घर के बच्चे आते हैं। आज जो सरकार, अभी जो बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें 9,00,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। आप इस बातों को समझिए कि 9,00,000 परीक्षार्थी जो शामिल हुए, उन 9,00,000 परीक्षार्थी में कम से कम 2-3,00,000 तो महिला लड़की लोग थी, बिहार की बेटी थी, जहां की भी लड़की थी सब थी। और यह दूसरा मूल चीज है कि इस तरह के परीक्षा में, इसमें सचिवालय सहायक क्लर्कल ग्रेड का जो एग्जाम था, इसमें क्या किसी मिनिस्टर के बेटे शामिल होते हैं, किसी एमएलए के बेटे शामिल होते हैं, कोई आईएएस के लड़के, आईपीएस के लड़के, डॉक्टर्स के लड़के, इंजीनियर्स के लड़के नहीं होते हैं शामिल। शामिल कौन होते हैं? हम और आप जैसे मध्यम वर्गीय लोग, हम लोगों के बाल बच्चे, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, यही लोग शामिल होते हैं। तो फिर अभी जो माननीय तेजस्वी जी हैं, तो उनको क्या पता, वो तो चांदी के पलने में पले बढ़े हैं, पढ़ने के नाम पे तो लोग क्या कहता है। तो तेजस्वी की पार्टी की तरफ से तो बयान आया है, जगदान सिंह ने कहा है कि सरकार को इस पर देखना चाहिए, किसानों का बच्चा है, किसान मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, और इस तरह से पेपर लीक होगा तो सरकार के खिलाफ अविश्वास होगा। देखिए मतलब कितना हास्यास्पद स्थिति है कि वही जो सरकार में है वही कह रहे हैं, वही उंगली उठा रहे हैं, या उंगली नहीं उठाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करते हैं, मतलब अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि कहने का हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो जानते हैं ना कि हम तो जो आज 60% देश में युवा है, जो मतदाता है, वही छात्र है, वही नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहा है। अमीर कितने प्रतिशत लोग हैं, सब सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल बिल्कुल आम ये के लोग हैं। अब वो कहेंगे ना कि ना भाई जगता हो तो बोले ना, ये जले पे नमक छिड़कते हैं हुजूर, छात्रों के जले पे नमक छिड़कते हैं। कैसा है आपका सिस्टम है, कौन सा है आपका सिस्टम है? आज तक जब एग्जाम हुआ, ये 2017 में भी हुआ था जी, ये 8 साल बाद यह एग्जाम होने जा रहा है। अब बताइए 8 साल जो परीक्षार्थी इंतजार किया। और एक और मजे की बात, आज माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, जब ये नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो यही एक बयान दिए थे कि भाई जिन जिन परीक्षार्थियों का, जैसे परीक्षा अगर कैंसिल करती है आयोग, तो प्रत्येक परीक्षार्थी को 5,000 रुपया हम सरकार में जाएंगे तो देंगे, हरजाना के तौर पर। आज दीजिए, कौन रोक रहा है, देना भी चाहिए, बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। इनको पता है क्या कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, किसान के, गरीब के, जिनके पेरेंट्स के शरीर के सूद से वस्त्र नहीं होते हैं, वो गांव का खेत से, महाजन से कर्जा लेकर शहर में आता है, टारगेट लेके कि हमको इतने दिन कोचिंग करना है, इतने दिन में इस कंपटीशन की तैयारी करके हमको एग्जाम ये कर। अब बताइए आप उस एग्जाम का तो इंतजार करेगा,
पटना से किसी का सेंटर पूर्णिया था, किसी का कटिहार था, किसी का कहीं था, आने जाने में कोई खर्च नहीं लगता है। क्या लगता है आपको कौन से वो लोग हैं सरकारी तंत्र में जो इस तरह का, ये कोई लोग हो, देखिए हम एक चीज जानते हैं, आपका यह सिस्टम है, अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ी होगी, इस मीडिया हाउस में अगर आप हैं, इसमें यहाँ कोई भी गड़बड़ी होगी तो जो सर्वे सर्वा है उनकी जवाबदेही है। आज राज्य में अगर कोई भी परीक्षा फेल कर जा रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, तो इसमें तो स्पष्ट दिखता है ना कि इनकी पूरी की पूरी साठगांठ है, कहां से लीक हो जाता है, कौन सा ऐसा सिंडिकेट है, कैसा लीक प्रूफ प्लान है। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को छलने के लिए, ये चूंकि ये लोग हंसते हैं, हम बता रहे हैं ना, ये देखा हुआ चीज बता रहे हैं, मैं नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन हंसते हैं लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, जब छात्रों का आंदोलन होता है उन पे लाठी चार्ज होती है, अरे ये सब क्या करेगा, छोड़ो 10 दिन टाइम टाइम करेगा उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, ये रिस्पॉन्स होता है। तो आज हम एक ही बात कहने के लिए, आप सब जान रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कौन लोग हैं नहीं है, एक बात स्पष्ट कहेंगे कि जब तक आप धर्म जाति समुदाय में बटे रहेंगे, जब तक आप ऊंच नीच के भेद में बटे रहेंगे, तब तक आपको ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे, और आपके लिए सिर्फ रोजगार बना है और कुछ नहीं बना है, आप सरकार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। जब आप सरकार का हिस्सा होइएगा, स्वतः अपनी स्थिति खुद सुधारिएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।